अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू दिस देन गिव द फॉलोइंग। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसमें हम लोगों ने ए की कुछ वैल्यूज गिवन है, तो हमने इनकी वैल्यू बतानी है कि क्या आंसर है इसका। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और इसी तरह रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए और यहाँ पे लिखा हुआ है 12। अब इस 12 का मतलब ये है कि पहले हमने बताना है रो, ये हमारे पास है रो 1 और ये हमारे पास है कॉलम। अब रो 1 और कॉलम 2 जो है वहां पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? रो 1 कॉलम 2 में हमारे पास एलिमेंट है 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना आंसर जो कि है 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए मैट्रिक्स में रो 2 कॉलम 3। अब रो 2 हमारे पास ये है और कॉलम 3 ये, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है 0 और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0। नेक्स्ट ए मैट्रिक्स में रो 3 कॉलम 2, तो रो 3 हमारे पास ये है और कॉलम 2 ये है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 1, तो 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स में रो 4 कॉलम 3 में हमने देखना है, रो 4 कॉलम 3 में हमारे पास एलिमेंट है 6, तो 6 बच जाएगा जी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स में रो 1 और कॉलम 3 में हमने देखना है, रो 1 कॉलम 3 हमारे पास एलिमेंट है -4 और ये -4 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स के अंदर रो भी 3 और कॉलम भी 3। अब रो 3 कॉलम 3 में हमारे पास एलिमेंट है 5 और हम यहाँ पे लिख देंगे 5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व।